गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बीए सेकेंड ईयर का पेपर, जो सेकेंड पेपर है, उसमें हमने टॉपिक था हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का टॉपिक हमने 3 भागों में पढ़ा था। अब हमारा अगला टॉपिक होगा परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो हमारे बीए पार्ट 2 का पेपर, सेकेंड पेपर है, आज का हमारा टॉपिक्स है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, यानी कि कोई भी वस्तु हो या मानव हो या किसी भी वस्तुओं को आवागमन एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं, उसके हम कहते हैं परिवहन। इनके कई एक साधन होते हैं, इनके तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है परिवहन। परिवहन जो प्रणाली है, यानी कि जो परिवहन एक जगह से दूसरी जगह से आवागमन कोई भी वस्तु हो या मानव हो या किसी भी कोई भी चीजें हैं, एक दूसरे से, जब मानव के हस्तक्षेप से, मानवीय क्रियाओं के द्वारा, यानी कि मनुष्य जब अपने ही क्रियाओं के द्वारा जो एक वस्तु दूसरी जगह से ले जाते हैं, उसे हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। परिवहन प्रणाली कुल मार्गों का लगभग, जो परिवहन है, जो मार्ग है, यानी कि जो रास्ता है जिसके जरिए से परिवहन किया जाता है, उसमें सड़कें हैं सबसे ज्यादा। जो सड़कें हैं, 83% जो सड़कें हैं, वो मतलब 83% परिवहन के कार्य में सड़कें कार्य करती हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है 9% रेलवे और 6% वायुमार्ग, 2% जल मार्ग। यानी कि समझते हैं कि टोटल जो परिवहन होता है वो 83% किसके द्वारा होता है, हमारा सड़कों के माध्यम से आवागमन, यानी कि रास्ता है जो है वो किससे है, हमारा सड़कों के जरिए से। फिर 9% हमारा कौन सा है, रेलवे के जरिए से, और 6% वायुमार्ग और 2% जल मार्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने परिवहन के बारे में जाना, यानी कि ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता। अब आता है कि परिवहन के साधन कैसे हैं। परिवहन साधन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, स्थल, जल और वायु। यानी कि ट्रांसपोर्ट जो होता है, स्थल और जल और वायु के जरिए से हम एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि स्थल। स्थल में कौन कौन से परिवहन कार्य करते हैं, जैसे कि सड़क, रेलवे और पाइपलाइन। ठीक है, तो ये 3 हमारे कौन से सड़क हो गए, स्थल से। जल में कौन हो गए, एक अंतर्स्थलीय है ना, और महासागरीय मार्ग, ये हमारे जल के द्वारा हो गए। और जो हमारा वायु के द्वारा होगा, एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय उड़ान है जो वायुयान जो हमारे चलते हैं, जो राष्ट्रीय उड़ानों के अंतर्गत होते हैं। और दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, यानी कि एक देश से दूसरी जगह से हम जब आवागमन करते हैं तो उसको जाने। अब आता है कि सड़कें कहाँ कहाँ होंगी, इनके बारे में जानेंगे। रेलवे, पाइपलाइन, पाइपलाइन के जरिए से परिवहन कैसे होता है, जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, जो भी विदेशों से हम आते हैं, तो एक जगह से गैस है, इनके जरिए से दूसरी जगह वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अंतर्स्थलीय जो हमारे जल के कार्य में आते हैं, जैसे कि हल्दिया से इलाहाबाद के बीच जो नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा जो जल में ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह होता है, वो अंतःस्थलीय, यानी कि स्थल के अंदर ही होते हैं नदियां और नहरें। जो महासागर होते हैं, यानी कि समुद्र में जब एक जगह से दूसरी जगह सामान वस्तुओं को आदान प्रदान करते हैं, उसे हम रखते हैं महासागर। फिर आता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में जो उड़ानें होती हैं, देश के अंदर जो यही रहती हैं, उन्हें हम राष्ट्रीय उड़ानों के अंतर्गत रखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीयों को रखते हैं हम जो विदेश, यानी कि एक देश से दूसरी जगह की जाते हैं। अब फिर हमारी अगली हेडिंग आती है स्थलीय मार्ग। स्थलीय परिवहन के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। सड़क जो भारत में है, सड़क टोटल कितनी है, 54,72,000 है ना, लाख किलोमीटर 2016 और 17 के बीच में ये सड़कें पाई गई हैं। देख सकते हैं हम नीचे। ठीक है, यानी कि टोटल कितनी सड़कें पाई गई, 54,72,000 लाख किलोमीटर, ये हमारा कितना था, 2016 और 17 का आंकड़ा है। अब आता है नागपुर जो हमारी योजना है, नागपुर योजना 1943 के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो हमारा सड़क परिवहन है, स्थल परिवहन में जो सड़क आती है, ये नागपुर की योजना के अंतर्गत 1943 के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया है सड़कों का विभाजन। पहला आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा आता है हमारा क्या, राज्य राज्य महामार्ग, तीसरा आता है हमारा जिला सड़क, और चौथा आता है हमारा ग्रामीण सड़क। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राज्य मार्ग, जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राज्य मार्ग हैं उनके बारे में हम देखते हैं।
बच्चों, अब हम भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब होता है कि जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को आपस में जोड़ता है। जैसे कि कोई भी एक लेते हैं, जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग हमने बताया था, चार भागों में राजमार्ग हमने चार भागों में डिवाइड किया, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग है ना, जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग। तो हम प्रमुख रूप से जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यानी कि देश के जो एक प्रदेश यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे पहले आता है कि एक तरफ हमने संख्या रखी है, दूसरा राष्ट्रीय मार्ग कि वो किस नाम से जाना जाता है, किसको किसके 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 बीच में है, और संख्या में है कि NH कौन सा नंबर है और उसकी लंबाई कितनी है। NH मतलब होता है नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे कौन सा है, नंबर एक, यानी जो इस संख्या है उस नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो नेशनल हाईवे नंबर एक जो है वो किसके किसके बीच में होता है, दिल्ली और अमृतसर के बीच में। जैसे दिल्ली हमारी ये है और अमृतसर, इस बीच की दूरी को हमने जो सड़क मार्ग है या राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई 1226 किलोमीटर है, जो किसको किसके बीच में है, दिल्ली और अमृतसर के, दिल्ली और अमृतसर के बीच में नेशनल हाईवे नंबर एक। जो नेशनल हाईवे नंबर टू है वो दिल्ली और कोलकाता के बीच में है, इसकी लंबाई कितनी है, 1490 किलोमीटर, जैसे दिल्ली और कोलकाता के बीच में। ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर टू है जो दिल्ली से कोलकाता के बीच में, इसके बीच में हमारा इलाहाबाद है ना और कानपुर, और ये जो मार्ग पड़ते हैं ये हमारे किस में जोड़ता है, हमारा नेशनल हाईवे नंबर टू। फिर आता है NH3 जो आगरा से मुंबई जाता है, जैसे हमारा ये आगरा है, इसी के साथ से जो हमारा मुंबई को जोड़ता है उसको नेशनल हाईवे नंबर थ्री में रखते हैं, इसकी 1161 किलोमीटर लंबाई है। फिर आता है NH4 जो ठाणे से चेन्नई को जोड़ता है, ये 1415 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ये जैसे मुंबई से आगे थोड़ा है ठाणे, यहाँ से जे और जाते हुए चेन्नई यहाँ पे है, तो इस लंबाई को जो है NH4 को जोड़ता है, ये दक्षिण भारत का होता है, तो इसे होता है, इसे हम बोलते हैं 1415 किलोमीटर इसकी लंबाई। NH5 जो बहरा गोर है कोलकाता से, 1610 किलोमीटर है, जो यहाँ से जाता है कोलकाता के बीच में रहती है दूरी, इसको बोलते हैं NH5, ठीक है, इसकी 1610 किलोमीटर है। फिर NH6 जो है धूले से कोलकाता के बीच में जब हम जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1415 किलोमीटर। फिर इसके बाद आता है NH7 जो बनारस से कन्याकुमारी, ये मार्ग जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य मार्ग है, इसे बोलते हैं भारत का सबसे बड़ा मार्ग, ये बनारस से लेके जो कन्याकुमारी तक जाता है, जैसे बनारस हमारा ये है और इसी को आगे जाके नागपुर से मिलता हुआ आगे कन्या जुड़ जाता है, इसे हम बोलते हैं NH7, ठीक है। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है 2369 किलोमीटर, 2369 यानी, ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा मार्ग है। फिर NH8, ठीक है, ये दिल्ली से मुंबई, ये दिल्ली से मुंबई के बीच में जो आता है ये 2058 किलोमीटर है। फिर NH9 जो है हमारा बम्बई से विजयवाड़ा के बीच में 841 किलोमीटर, और NH10 है वो दिल्ली और फजिलका, ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को जोड़ता है, इसकी लंबाई है 403 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है NH15, NH15 यानी कि NH515 जो है पठानकोट से सावा ख्याली तक जाता है, ये 1526 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये फिर इसके बाद आता है NH17, NH17 जो है पानवेल से इंडापेली तक 1269 किलोमीटर, और NH28 है जो बरौनी से लखनऊ के बीच में 570 किलोमीटर तक इसकी दूरी है। तो इस प्रकार से हमने जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राज्य मार्ग हैं उनके बारे में जाना। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमने मैप में भी जो प्रमुख हैं इनके बारे में बताया, और ये भी बताया कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, हमारा NH7 जो बनारस से और लेके जो हमें कन्याकुमारी से जोड़ती। अब आता है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है, ये 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जो बनी थी सरकार उसके अकॉर्डिंग रखा गया था, ठीक, NH2, NH8, NH4, NH5,
ये भारत को चारों तरफ से जोड़ता है, इसे हम बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। फिर आता है कॉरिडोर जो दक्षिण से पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि दक्षिण दक्षिण से और उत्तर की ओर जो जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ये रोड जोड़ता है, इसे हम कॉरिडोर बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा रोड जो जोड़ता है पोरबंदर से सिलचर तक जाता है, सिलचर तक जाता है, ये जो है ये हमारा पूर्व से पश्चिम की रोड मैप है। तो इस प्रकार से हमने जो देख सकते हैं इसमें मैप में कि अगर कहा जाए कि कॉरिडोर का जंक्शन कहाँ है तो झांसी में, ठीक है। और हमारा पूर्वी पश्चिम जो कॉरिडोर है और हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज को कहाँ से काटता है तो कानपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मैप में स्वर्णिम चतुर्भुज और कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब होता है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जो जोड़ती है सड़कें, फिर ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है भारत के चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग, बच्चों अब हम देखते हैं भारत का जो सड़क मार्ग है, यानी कि जो जाल है उसके प्रमुख रूप से हम देखते हैं, एक तरफ होता है सड़क वर्ग और हमारी लंबाई और प्रतिशत। हमने चार भागों में डिवाइड किया था, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इनकी टोटल लंबाई कितनी है, 1,03,933 किलोमीटर। ये कुल प्रतिशत यानी कि जो टोटल सड़कें हैं उसकी कुल लंबाई का कितना है, 1.92% ही है, ठीक है, बहुत कम है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है राजमार्ग, राजमार्ग क्या होता है कि 1,61,487 किलोमीटर जिनकी लंबाई है, ये कितना प्रतिशत है इसका, 2.83%, ठीक है। तो अन्य सड़कें जो जिसमें आती हैं जैसे ग्रामीण सड़कें और हमारी जिला सड़कें, तो उनमें कितना होता है, 52,07,044 किलोमीटर इनकी लंबाई है, इनका प्रतिशत कितना है, 95.24 यानी कि 95.24 है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो ग्रामीण और जिला सड़कें हैं जहां पे अन्य सड़कों में जोड़ेंगे दोनों को, ग्रामीण और जिला सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है 95 पॉइंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव से रास्ता जाना, एक छोटे से कस्बा दूसरे कस्बे में जाना, और ऐसे कई एक पगडंडियां भी होती हैं, छोटी कच्ची सड़कें होती हैं, पक्की सड़कें होती हैं, इससे पूरे भारत में बहुत बड़ी लंबाई हो जाती है, इसको हम देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये केंद्र जो सरकार होती है जो दिल्ली दिल्ली में बैठी होती है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं कि वो किन राज्यों को किस तरह से इसको उसके सही करना, उसे बनाना, इनके अंतर्गत केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। जो राज्य मार्ग आता है ये है जो भारत में जो राज्य सरकार होती है जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत इन मार्गों को बनाया जाता है और उन्हें आगे बढ़ाया भी जाता है। तो इनका प्रतिशत कितना है, 2.83%। इस प्रकार से हमने जो भारतीय सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा था, ये टॉपिक्स हमारा खत्म होता है। अगला जो टॉपिक्स होगा हम भारतीय रेलवे और वायु के बारे में भी पढ़ेंगे।